खबर मथुरा से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत होलीगेट चौराहा स्थित एक दुकान से आतिशबाजी का अवैध भंडारण पकड़ा गया है। दुकान की तीसरी मंजिल पर आतिशबाजी का अवैध भंडारण पकड़ा गया है। दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री कर मोटा मुनाफा कमाने की जुगाड़ में दुकानदार लगे हैं। अग्निशमन विभाग को होलीगेट स्थित एक दुकान पर आतिशबाजी का अवैध भंडारण होने की सूचना मिल रही थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने शुक्रवार की शाम एक कर्मचारी को आतिशबाजी खरीदने के लिए भेजा। दुकान की तीसरी मंजिल पर आतिशबाजी का अवैध भंडारण पकड़ा गया। आतिशबाजी करीब 1.5 लाख की बताई जा रही है। दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया। हमारे साथ मथुरा से गिरीश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गिरीश, अवैध भंडारण आतिशबाजी का पकड़ा गया है, इसकी अनुमानित कीमत कितनी बताई जा रही है और जिस दुकानदार को हिरासत में लिया है, पूछताछ में उससे क्या कुछ खुलासा अब तक हुआ है? आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ महापूर्व सुधीर मथुरा जिले में सुधीर नामक एक गांव में अवैध पत्रांगण का एक बड़ा मैटर मामला आया था, जिसमें विस्फोट हुआ था और उसमें एक युवक और एक बालिका की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रशासन बहुत सख्त था और डीएफओ विभाग जो अग्नि शासन विभाग जो था उस पर ऊपर से प्रेशर भी था कि मथुरा में कहीं भी अवैध पटाखे या बारूद नहीं बिक्री हो। इसी पर एक सूचना मिलने पर डीएफओ प्रमोद कुमार को जैसी सूचना मिली, उन्होंने एक आदमी को, एक युवक को वहां भेजा। युवक जब वहां गया तो वहां साइकिल की दुकान थी नीचे, जिसका नाम था चावला साइकिल। उसके ऊपर एक गुरमीत ट्रेडर्स के नाम से दुकान थी। गुरमीत ट्रेडर्स के यहां से लाखों रुपए का अवैध पटाखे बरामद की गई। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।